हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश सरकार ने किडनी के जो मरीज हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला किया। आपको बता दें कि अब किडनी पेशेंट को भी पेंशन मिलेगी और इस श्रेणी में एचआईवी पेशेंट को भी रखा गया है। सरकार कैंसर पीड़ितों को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। यह फैसला क्या है हम जानेंगे सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी से। यादव जी, ये कैंसर पीड़ितों के लिए जो है क्या फैसला प्रदेश सरकार लेने जा रही है? हमारी सरकार जितने भी कैंसर पीड़ित इस प्रदेश में लोग हैं, चाहे उसकी कुछ भी उम्र हो, उन सब को जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांगता की पेंशन है, उनके समान पेंशन जारी करना चाहती है। और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से हमने डेटा मांगा है कि कितने लोग कैंसर से पीड़ित प्रदेश में हैं, ताकि हम उनको इस पेंशन की योजना में शामिल कर सकें। ये कैंसर के साथ साथ कोई और जो रोगी हैं या जो क्रॉनिक डिसीज से हैं, कोई और भी कैटेगरी को आप ऐसा सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं पेंशन देने की? बिल्कुल, इसके साथ साथ जैसे अपने एचआईवी ग्रस्त जो लोग हैं उनकी पेंशन जारी करने के लिए लगभग तैयारी कर ली है, और जहां हम कैंसर के पीड़ित रोगियों की सर्वे करवा रहे हैं, वहीं हम किडनी से ग्रस्त जो लोग हैं जिनकी किडनी खराब है या ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी से संबंधित कितने व्यक्ति बीमार हैं या रोगी हैं, उनका भी डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम उनको भी इस पेंशन की योजना से लाभान्वित करना चाहते हैं। मंत्री जी, ये बताएं कि जो ये अभी है, कितने दिन तक का आपने समय दिया है ताकि इसका लाभ जो है जल्दी से जल्दी लोगों को मिल सके? जैसे ही हमें स्वास्थ्य विभाग से इसका डाटा आ जाएगा, हम जल्दी से जल्दी इसको लागू करेंगे। और दूसरा ये एक और देखने में आता है कि कैंसर और जो किडनी जो रोगी हैं उनकी दवाएं बड़ी कॉस्टली होती है। हालांकि सरकार जो है अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां देती है, लेकिन इन लोगों की कभी शिकायत रहती है कि इन्हें दवाएं फ्री दी जाएं या इनकी दवाइयां जो हैं अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएं, इनकी ये शिकायत रहती है कि दवाएं अक्सर मिलती नहीं हैं। इसके लिए भी हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जैसे दूसरी आम बीमारियों की दवाइयां हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं, क्यों ना हम कैंसर और ये किडनी संबंधित ऐसी जो बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए भी हम दवाई अवेलेबल करवाएं, ऐसा सरकार फैसला लेने जा रही है। मंत्री जी, एक खासकर इस कोरोना के दौर में बड़ी समस्या आई है, जो प्रवासी लोग थे जो हरियाणा में आए, हरियाणा के विकास में निर्माण में उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। ऐसी एक बड़ा वर्ग है जिनके जो राशन कार्ड यहाँ नहीं बन पाए, लेकिन उनके अपने जो मूल प्रांत हैं वहाँ पर उनके कार्ड हैं, उन्हें यहाँ राशन नहीं मिल पाता इसी वजह से। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है कि उन जिन लोगों के अपने मूल प्रांत में राशन कार्ड बने हैं उन्हें यहाँ राशन मिल पाए? बिल्कुल, ये विचार केंद्र स्तर पर भी हो रहा है और ये विचार प्रांतीय स्तर पर भी हो रहा है। तो ये हैं ओम प्रकाश यादव जो बता रहे थे कि कैंसर पीड़ितों के लिए और किडनी रोग से ग्रस्त जो मरीज हैं उनको सरकार जो है पेंशन देने की योजना बना रही है। सर्वे के लिए बोल दिया गया है, जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, संख्या इन लोगों की आ जाती है, सरकार इन्हें जो है ये राशि देना शुरू कर देगी। और इसके साथ साथ सरकार ने जिला स्तर पर जो अस्पताल हैं वहाँ इन रोगों के लिए दवा उपलब्ध करवाने के लिए भी फैसला कर लिया है और निर्देश जो हैं जारी कर दिए हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश कुमार।